हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत मेहमान है, पहले उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ नीरू बाजवा जी है, स्वागत है मैम आपका, और साथ ही दलजीत दोसांझ सर। क्या बात है, आप लंबा इंतज़ार कराते हैं, उसके बाद अब आपकी फिल्म आ रही है, बहुत लंबा इंतज़ार कराया आपने। फिल्म छड्डा, इसके मायने क्या है सर? छड्डा क्या है, ये टाइटल कहाँ से आया सर? ये आपने बिल्कुल बोला छड्डा, लेकिन ये छड़ा नहीं भाई, छड़ा है। हाँ, छड़ा पंजाब का कल्चर का एक हिस्सा है, और ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्योंकि इंग्लिश में इसका कोई ट्रांसलेट हो नहीं सकता, इसलिए पढ़ने में आपको छड़ा लग रहा है, पर ये है छड़ा है। और छड़ा का मतलब है जो 30 के ऊपर चला जाता है वो छड़ा हो जाता है, जो शादी करना चाहता है लेकिन जिसकी शादी नहीं हो वो छड़ा है। लेकिन हमारी फिल्म का नाम ही छड़ा है, अदरवाइज़ हमारी फिल्म में हर दूसरा सीन जो शादी का है, हर दूसरी बात जो शादी पे हो रही है, ये बने हैं वेडिंग प्लानर और मैं बना हूँ फोटोग्राफर। और हमारी फिल्म, आपने सही कहा कि कुछ 4 साल बाद आ रही है, लेकिन जितनी भी फिल्में हमारी आई हैं, लकीली उन फिल्मों को बहुत प्यार मिला है, और आप, मुझे पक्का यकीन है कि इस फिल्म को बहुत प्यार मिलेगा। कैसा एक्सपीरियंस है, 4 साल इंतजार का है, आप दोनों की जो केमिस्ट्री है ना ऑन स्क्रीन दिखती है और फैंस को भी भाती है, जट एंड जूलियट और जितनी भी सरदार जी हम देखें, आप कमाल का आपका दोनों का अपीयरेंस है, इतना इंतजार क्यों करवाते हैं, और दोनों की केमिस्ट्री कैसी रहती है बैक सीट की? बैक सीन की केमिस्ट्री तो बस आप देख ही रहे थे कि क्या केमिस्ट्री थी, ये अपनी सीट पे, मैं अपनी सीट पे, और जब एक्शन डायरेक्टर साहब एक्शन बोलते तो फिर कुछ कमाल का ही होता है। ये फिल्म की स्टोरी लाइन कहाँ से निकल गया है सर, ये आपने कैसे इसको फाइनलाइज किया? जस्ट इतना ही दिमाग में आया कि ऐसे बंदे पे कहानी बननी चाहिए जिसकी शादी नहीं हो रही, वो छड़ा है। तो फिर गुरदीपा जी जो हमारे हमारे इस फिल्म के जगदीपा जी जो हमारे फिल्म के राइटर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, तो उन्होंने 15 दिन में एक मोटी मोटी कहानी बना ली थी। फिर उसके बाद नीरू जी ऑन बोर्ड आए और हमारे प्रोड्यूसर्स ऑन बोर्ड आए, ए एडवाइज़र एंड ब्रैड फिल्म्स, तो ये सब जब ऑन बोर्ड आ गए मुझे लगा कि यार अच्छी टीम बन गई है एक, तो आई होप ये अच्छी फिल्म बन जाएगी, और वही हुआ जिसका डर था कि ये बहुत अच्छी फिल्म बन गई है, दर्शकों को ये खूब पसंद आएगी। और इससे पहले जगदीप जी का आप जिक्र कर रहे हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि उन्हीं से रिलेटेड एक सवाल भी ले लूँ। उनकी लास्ट फिल्म ब्लॉकबस्टर रही, अच्छी फिल्म रही, और आप दोनों की जितनी भी फिल्में साथ आई है उन्होंने तो और भी ज़्यादा धमाल मचाया, तो ये कॉम्बिनेशन निकल के कुछ एक अलग ही धमाल मचाने वाला है। ये बात एक मैं और बता दूँ, उनकी फिल्म रिलीज़ नहीं हुई थी, मैंने तब उनको फाइनल कर दिया था, उनकी फिल्म अभी आई नहीं थी जो उन्होंने लास्ट डायरेक्ट की है, पहली फिल्म मेरी उनके फाइनलाइज पहले हो गई थी, और हमारा काम शुरू हो गया था, हमारा म्यूज़िक पे काम शुरू हो गया था, जो अतुलपा जी हैं ये आपको सच बताएंगे अगर आप इंटरव्यू लें, तो पल्ला साहब भी पहले ऑन बोर्ड आ गए थे, उनकी फिल्म अभी रिलीज़ नहीं हुई थी, तो मतलब हमें उन पर फेथ था, मैंने उनका काम ऑलरेडी देखा है जग्गीपा जी का, बहुत अच्छे राइटर हैं सबसे पहले तो, और बहुत अच्छा उन्होंने डायरेक्शन किया लास्ट फिल्म का, और जो मुझे यकीन था कि वो फिल्म बनाएंगे तो अच्छे बनाएंगे। एक बहुत अच्छा राइटर जो है और जो ऑलरेडी फिल्मों के सेट पे रहता है और ईमानदार है अपने काम के लिए, वो फिल्म बना लेगा मुझे ऐसा लगता है। तो फिल्म कैसी निकल के आई, आपके लिहाज से कैसी लग रही है फिल्म? मैं फिल्म देख चुकी हूँ कंप्लीट फिल्म थिएटर में, और बहुत बहुत अच्छी फिल्म बनी है, इट्स फुल ऑफ एंटरटेनमेंट एंड आई प्रॉमिस यू, यू गोना गो होम एंटरटेन, फुली एंटरटेन। गाने भी जबरदस्त धमाल मचा रहे हैं, एक दो नहीं सारे, अभी तो चार्टबस्टर में सब नंबर पे हैं। आपके दिल के करीब कौन सा है सबसे ज्यादा गाना? सारे गाने, क्योंकि हमने खुद बनाए हैं। अगर तो मुझे किस फिल्म में कोई लेता और गाने कोई और बनाता तो मैं बताता कि ये गाना मेरा फेवरेट है। इस फिल्म के सारे गाने हमने खुद बनाए हैं, हमारी टीम ने खुद बनाए हैं, तो मेरे सारे गाने फेवरेट। फिर भी एक कोई गाना बता रहा हूँ ना भाजी, अगर किसी और ने मुझे फिल्म में लिया होता जी, अगर आप फिल्म बना रहे हो, आपने गाने बना लिए, आप मुझे फिल्म में लोगे, तो मैं बता दूंगा कि सर आपका ये गाना बहुत अच्छा है। अगर मैं ही गाने बना रहा हूँ, सारी हमारी टीम, सिर्फ मैं नहीं मतलब हमारी सारी टीम जी अगर गाने बना रही है, तो हम ही ने तो गाने बनाए हैं। चलिए आप बताइए आपका फेवरेट गाना कौन सा है? मेरे भी सारे ही फेवरेट गाने हैं, मूड पे डिपेंड है, अगर मैं रोमांटिक मूड में हूँ तो मेहंदी, अगर मुझे यू नो नाचना है पार्टी करना है तो टॉमी, महफिल, आज ही रिलीज हुआ है मोर, और कोई गाना एक्सपेंसिव जट भी मेरा थोड़ा वो रोमांटिक मूड में चला जाता है। नहीं नहीं, इस सवाल के पीछे मेरा मकसद सीधा ये था, सिर्फ दो लाइनें मुझे आपके वो गाने की सुननी थी, उसी को मैं घुमा रहा था, मैं इसीलिए जबरदस्ती माहौल बना रहा, उसी को घुमा रहा था, लेकिन आप फिर सीधा आ गए हैं उस बात पे, तो मैं सुना देता हूँ। ओ इन्ने एक्सपेंसिव जट ने करते तेरे ना कुड़े, जिन्ने भी बचदे मेरी
जिंदगी दे साकुड़े है। इंडिया से नहीं, बाहर से भी लोगों को ये ट्रेलर बहुत पसंद आ रहा है। इससे दर्शकों, जब ट्रेलर इतना ज़्यादा पसंद आता है तो ऐसा नहीं लगता आपको कि दर्शकों की उम्मीद ज़्यादा बढ़ जाती है कि फिल्म कब आ रही है, कब आ रही है? अब तारीख भी आ गई, 21 तारीख आ रही है, उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है इस ट्रेलर में। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और मुझे तो बस एक्साइटमेंट ही है कि कब 21st आएगी और कब ऑडियंस ये फिल्म देख पाएगी। जी, आप क्या कहेंगे दर्शकों के लिए? यू सर्टिफिकेट है सर, बच्चे भी जाकर देख सकते हैं। हाँ, ये एक बड़ी अच्छी बात बताई आपने। एक अरसा हो गया सर यू सर्टिफिकेट, यूए तो मतलब ये लगता है कि यूए तो मिलता है जी, हमें यू मिला है जी, जो कि डिज्नी की फिल्मों को मिलता है मुझे लगता है, मार्वल्स की फिल्मों को मिलता है यू, बच्चे जाके देख सकते हैं। और आपके तो फैन भी कई सारे बच्चे आपको पसंद करते हैं। नो डाउट, बच्चे बहुत प्यार करते हैं, हमारी जोड़ी को बहुत प्यार करते हैं, और बच्चे जाकर देखें अपनी फैमिली के साथ, और पूरी फैमिली बैठ के देख सकती है, और बहुत ही फनी, कमाल की एंटरटेनमेंट फिल्म बनी है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा इस फिल्म की कहानी के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि जैसे छड़ा का आपने बता दिया, छड़ा का भी एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, 30 के ऊपर वाला छड़ा। इस फिल्म की कहानी के बारे में थोड़ा सा बताइए। फिल्म का नाम छड़ा है, लेकिन फिल्म में शादियाँ ही शादियाँ हैं, हर दूसरा सीन जो है वो शादी का है। ये बनी है वेडिंग प्लानर, जैसे उन्होंने बताया, और मैं बना हूँ फोटोग्राफर, तो हम दोनों हैं शादियों में, लेकिन हम हैं दोनों छड़े। फिल्म में जितना आपने ट्रेलर में देखा है उससे और बहुत ज़्यादा कुछ है। ट्रेलर थोड़ी चीज़ कम बता रहा है, फिल्म ज़्यादा चीज़ बताएगी। 2 घंटे कुछ 9 मिनट की फिल्म है, 10 मिनट की, आप जाएँ देखें, और 21 को आपको पता चल जाएगा। अब तो 4 दिन, आज का दिन भी गया, 3 दिन ही रह गए, एडवांस बुकिंग ओपन है दिल्ली में भी, पंजाब में भी। तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शकों से, क्योंकि एक लंबा इंतज़ार आपने कराया, आप दोनों की जोड़ी ने कराया, और अब जब दोनों आप आ रहे हैं, एक कुछ अलग ही ट्यूनिंग निकल गया ट्रेलर में। हर कोई जो है, तीसरा वर्ड मैंने देखा ट्रेलर, हर तीसरे वर्ड में छड़ा वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, हर कोई आपको मतलब एक तरीके से टोन कर रहा है छड़े छड़े के, मतलब एंटरटेनमेंट बहुत है, और ये कह सकते हैं कॉमेडी एक निकल के आ रही है। हाँ जी, बस एंटरटेनमेंट है फिल्म में, और सारे फैंस जिन्होंने 4 साल वेट किया, आई थिंक इट विल बी वर्थ द वेट ऑफ 4 years। सर, म्यूजिक भी आपने जो है, म्यूजिक कंपोजिंग भी बिल्कुल डिफरेंट हुई है इसकी, और गाना तो हो गया, मेहमान गाना गाना हो चुका है। नहीं, एक मेहमान गाना सर, एक नहीं, मेहमान गाने कोई नहीं है, महफिल गाना है। ओ दिल टूटे आशिकां दी महफिल विच आके कदे तू बै सजना, टिकटा ले सजना। अब मैं आपसे लास्ट में जानना चाहता हूँ, एन एडवाइजर है सर, आपकी फिल्म को प्रेजेंट कर रहा है, यस यस, साथ ही ब्रैड फिल्म है जो इसका प्रोडक्शन है, यस यस, इन दोनों के साथ का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? बहुत अच्छा। मैंने जैसे आपको बताया कि जगी पाजी की फिल्म रिलीज नहीं हुई थी, हमारी को कहानी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी अभी, लेकिन अतुल पाजी, एन एडवाइजर, अमित भल्ला जी, और हमारे ब्रैड फिल्म्स के अमन गिल और पवन गिल, अनुराग सिंह, इन लोगों ने पहले ही, हम एक साथ इकट्ठे होकर डिसाइड किया कि ये फिल्म करते हैं। तो हम दोनों ने बहुत बार कहा है कि हमारे आज तक के बेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं ये लोग, इन्होंने इतना अच्छा ट्रीट किया है, एंड आई होप जितना अच्छा हमें ट्रीट किया है ऑडियंस भी इनको अच्छा उतना ही अच्छा ट्रीट करें, और उतने ही अच्छे जो फिगर्स आएँ, और इनको अच्छे पैसे ये बनाएं, और ताकि अच्छी अच्छी फिल्में ये बनाते रहें जी। आप 21 तारीख को फिल्म रिलीज हो रही है, अपने दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? बस यही कि एडवांस बुकिंग खुल चुकी है, बुक करो अपनी टिकट्स ताकि तुम, आप सबको अच्छी सीट्स मिलें, जाके हंसो, नाचो, पंगड़ा पाओ, एंड एंजॉय योर फिल्म विद द फुल फैमिली। छड़ा फिल्म देखने जाइए, ज़रूर जाइए थिएटर में, और उम्मीद यही करते हैं कि ये फिल्म जिस तरीके की ट्रेलर में दिख रही है, गाने इसके चार, उम्मीद नहीं आते, बंदे बैठे उम्मीद कहाँ कर रहे हैं, हम आपको शोर कर रहे हैं सर। नहीं नहीं सर, हम हमारे पे यकीन करें, दर्शकों को उतनी पसंद आई, हमारे पे यकीन करें, आप उम्मीद ना करें, बिल्कुल यकीन कीजिए, फिल्म बहुत अच्छी बनी है और आपको भी बहुत पसंद आने वाली है, तो जरूर जाइए ठीक है सर। हाँ प्लीज, बिल्कुल जरूर जाइए, और ये सारा स्टाफ छुट्टी करके जाइए भाजी। चलिए सर, ये भी एक हमारी तरफ से उम्मीद आई है, अच्छी चीज आई है, सारा स्टाफ छुट्टी करके जाए और फिल्म देखने जाए।